अवामी रिक्शा यूनियन पर्ची माफिया के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर ढोल की थाप के साथ शदीद एहतजाज। भत्ता माफिया के खिलाफ नारेबाजी की, पर्ची माफिया को काबू किया जाए, चेयरमैन यूनियन मजीद गौरी। क्या नवाज शरीफ को अपने और भाई के बनाए अस्पतालों पर एतबार नहीं? क्या शरीफ बरादरान 30 साल में एक अस्पताल भी ना बना सके जहां इनका इलाज हो सके? नवाज शरीफ के इलाज में कोताही का हुकूमत को जिम्मेदार करार देने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार का शहबाज शरीफ को जवाब, इमरान खान ने हमेशा अपना इलाज शौकत खानम से करवाया, वजीर आला का ट्वीट। मुल्की तरक्की के लिए ज़राअत पर तवज्जो देना होगी, हुकूमत किसानों को फसल की बेहतर कीमत अदा करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का पीसी होटल में एग्री कॉन्फ्रेंस से खिताब, गवर्नर का न्यूजीलैंड में पाकिस्तानियों की शहादत पर भी दुख और गम का इजहार। पुलिस का डर ना पकड़े जाने का खौफ, महारत से दरवाजा खोया, गाड़ी में बैठा और कार गायब। इकबाल टाउन जहांजे ब्लॉक में चोर ने घर के बाहर खड़ी कार को चोरी कर लिया, वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। सॉरी फॉर बाबर टाउन में 16 साल का तालिब इल्म मोहम्मद मुआविया ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद मुआविया लाहौर में जेर तालीम था, चचा के घर रिहायश पसीर था। सॉरी फॉर मोहम्मद मुआविया, लाश के पास से मिलने वाला सफा पर तहरीर। कोट लखपत में मुस्तफा कॉलोनी का रिहायशी नौजवान मोहम्मद रियाज ट्रेन की जद में आकर जाम बक हो गया। अवाम महंगाई के घेरे में, सब्जी मंडियां हो या आम बाजार, रेट आसमानों पर। टमाटर 100 रुपए से तो नीचे आया लेकिन 90 रुपए पर लग गई ब्रेक। हंडिया की बुनियादी जरूरत लहसुन अदरक 166 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। प्याज आलू समेत तमाम मौसमी सब्जियां भी महंगी। चिकन की कीमतें भी कम ना हुई, रेट 241 रुपए फी किलो। शहरियों का रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। शहर में मेडिकल स्टोर्स बेशुमार लेकिन क्वालिफाइड नहीं स्टाफ, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के अंबार लग गए। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने 2 हफ्तों में ड्रग इंस्पेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली, फौरी तौर पर मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज की इंस्पेक्शन करने की हिदायत। नालों की सफाई न होना, सुई गैस लाइन से लीकेज और कवानीन के बरक्स ड्रेन को कवर करना गंदे नाले में धमाके का बायस। हाल रोड गंदे नाले में धमाके की वजूहात सामने आ गई। 88 रोज तक शहर में डिसल्टिंग का अमल बंद रहा, बकायदा डिसल्टिंग न होने की वजह से नालों में गैस भर रही है। गुज़श्ता रोज हाल रोड पर गंदे नाले में गैस भरने से जोरदार धमाका हुआ जिससे नाले की छत टूट गई थी। लाहौर में भी पीएसएल का बुखार, ग्रेटर इकबाल पार्क जलानी पार्क समेत जगह जगह स्क्रीनें नस्त। क्रिकेट दीवानों ने चौके छक्के बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। जलानी पार्क में फूड स्टॉल्स भी सज गए, मैच के साथ साथ खाबों का भी इंतजाम। डीसी लाहौर की फैमिलीज को बाहर के मौसम में मैच पार्क में आकर देखने की अपील। कौन होगा पीएसएल का हुक्मरान, फैसला आज। फाइनल मार्के में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पिशावर जलमी मद्दे मुकाबल। शायकी ने क्रिकेट बेकरार, किसी को वॉटसन की धुआंधार बैटिंग का इंतजार तो कोई हसन अली की यार कर देखने को बेताब। घर में मैच देखें या बाहर, लाहौरियों ने अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने की मुकम्मल तैयारी कर ली। इतवार का रोज शहर के तमाम गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त, हसास चर्चिस पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, स्नाइपर्स भी तैनात। डीआईजी ऑपरेशंस की शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग की भी हिदायत। क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी शहदा की याद में मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। बहार कॉलोनी कोट लखपत में खसूसी दुआया तकरीब, सूबाई वजीर अकलेती अमूर एजाज आलम, एमएनए शनील अरूद की भी शिरकत। शहदा मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दवा कराई गई। और मॉडल टाउन में 3 रोजा सनती नुमाइश के आखिरी रोज रौनक अरूज पर, नुमाइश में लगाए गए 50 से ज्यादा स्टॉल्स पर सजी दस्तकारी और दीगर मसनूआत में शहरियों की दिलचस्पी, खाबे भी उड़ाए।